इस वीडियो में हम लोग जूल ऑफ हीटिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे किसी सर्किट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो टाइम के साथ वहां पे कुछ हीट जनरेट होने लगता है। कितना अमाउंट में हीट कहीं पे जनरेट होता है उसको जूल ने बताया था, तो हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमने क्लास 10th से लिया हुआ है, ये डिस्कशन आपको क्लास 12th की फिजिक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है कि जब हम किसी भी सर्किट के अंदर करंट पास करते हैं तो वहां पे हीट स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वो वायर जो कि सर्किट के अंदर यूज होगा वो गर्म होने लगता है। और इसी हीट को यूज करके हम लोगों ने बहुत सारे अप्लायंसेस भी बनाए हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करके उस वायर को गर्म करते हैं और उसकी हीट को यूज करके हम लोग वहां पे कुछ काम करते हैं। जैसे हमारा गीजर है, हीटर है, या फिर टोस्टर है, अवन है, बाकी चीजें काम करती हैं, ये सब हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास एक वायर होता है। इस वायर के दोनों टर्मिनल के बीच में जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको हम किसी भी सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, मीन्स इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पे पास करते हैं तो इस मेटेलिक वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं तो इस मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी वहां पे प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन के साथ और उसी इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होगा उनके साथ कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। और इन्हीं कोलिजन की वजह से जो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता है उसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट होती है। तो अगर हम काज ऑफ हीटिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट दो काज हैं जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कोई भी हीटिंग जनरेट करता है। तो उसमें सबसे पहला काज तो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कोलिजन स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द डिक्रीज एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू द हीट, और वही हीट आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दिखाई देने लगता है। सेकेंड क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक आयन के कांटेक्ट में आता है, उसके साथ कोलाइड करता है, तो उसकी हीट भी ट्रांसफर हो जाती है, कह लो उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन को, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज आयन वाइब्रेट करने लगता है। एंड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन वहां पे हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देयर आर टू रीजंस फॉर द हीटिंग ऑफ द एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। फर्स्ट वन इज द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू द हीट, एंड सेकेंड वन इज वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटेलिक आयन। तो यहाँ पे अगर आपको जूल ऑफ हीटिंग में जो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं उनको डिराइव करने के लिए हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने कंसीडर किया है जिसमें ये हमारा वायर है और इसके साथ हमने अमीटर और वोल्ट मीटर लगा दिया है। आप लोग जानते हो हम लोग अमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में और वोल्ट मीटर को जो रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं उसके पैरेलल लगाया जाता है, तो इस तरीके से हमने लगाया हुआ है। अब यहीं पे हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे और जो एक्सप्रेशन होगा जूल ऑफ हीटिंग का उसको हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, तीन अलग अलग हम लोग कंडीशंस यूज करते हैं जिससे तीन हमको इक्वेशंस मिलेंगे जिनको एक साथ कोरिलेट करने पे हमारा एक्सप्रेशन जो मेन है वो आ जाता है। तो पहली चीज हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर जो चार्ज का फ्लो करता है उस चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है उस रेट को हम लोग करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इन यूनिट टाइम। तो हम लोग यहाँ पे अगर रेट लिखेंगे तो लिखेंगे करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। यहां से अगर हम लोगों को चार्ज निकालना होगा तो चार्ज हम लोग लिखेंगे आई इंटू टी, इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन मान रहे हैं क्योंकि इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। सेकेंड ओम्स लॉ हम लोग यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट,
और यहाँ पे अगर हम उसको यूज करते हैं तो एक एक्सप्रेशन मिलता है वी इक्वल टू आई आर, हम इसको यूज करेंगे। और थर्ड आते हैं दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसके एक्सप्रेशन पे। तो हम लोग जानते हैं दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। किसी दो पॉइंट के बीच में जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हो तो जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मींस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, जहां पे डब्ल्यू यहाँ पे वर्क डन होगा। तो अगर यहां से हम लोगों को वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू क्यू। इसी तीन इक्वेशन को हम लोग आगे यूज करेंगे। तो थर्ड वाले इक्वेशन में फर्स्ट और सेकेंड से क्यू और वी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमको मेन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जैसे वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू हमने वी इंटू क्यू लिखा था, इसमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से वी और क्यू की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन आई आर इंटू आई टी आता है। और इसको सॉल्व करने से हमारा एक एक्सप्रेशन बनेगा डब्ल्यू मीन्स वर्क डन इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं वर्क डन इज मेजर ऑफ एनर्जी, मीन्स वर्क डन जो होता है उसको हम एनर्जी के साथ मेजर करते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं। एंड एनर्जी इन दिस कंडीशन इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए वर्क डन की जगह हम लोग हीट लिख सकते हैं। और यही हीट है जिसको जूल ने डिस्कस किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर कितना हीट जनरेट होगा उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। ये मेन एक्सप्रेशन हमारा है और इस एक्सप्रेशन से आपको क्लियर पता चल रहा है कि जो हीट जनरेट हो रहा है दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट पासिंग थ्रू द सर्किट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। जितना ज्यादा टाइम हम लोग पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही ज्यादा हीटिंग होती है। इसलिए आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो यूज करते हैं उसको कंटिन्यूअसली यूज नहीं करते, बीच में हम लोग ब्रेक करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो हीटिंग ज्यादा होगी, मे बी योर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मे बी बर्न। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोगों को क्या करना है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग में हीट आई स्क्वायर आर और टी के प्रपोर्शन में होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। तो हमने एक यहाँ पे डिवाइस यूज किया हुआ है जिसके अंदर हमने हीटिंग कॉयल लगाया हुआ है और उसके अंदर वाटर रखा हुआ है जिसको जिसकी हीटिंग को हम लोग चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाए हुए हैं। इस पूरे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कैलोरी मीटर। और इसी कैलोरी मीटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं करंट को और रेजिस्टेंस को और टाइम को। इन तीनों कंडीशन में हीट कितना जनरेट होगा और उस हीट का इन सभी फैक्टर के साथ क्या रिलेशन होगा उसी को एक्सप्रेस किया गया था। तो पहली कंडीशन इन्होंने क्या डिस्कस किया था कि अगर मान लो यहाँ पे हम लोग करंट को चेंज करते हैं बाकी दो पैरामीटर को कांस्टेंट रख के, और हीट और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन मिलता है उसका रिलेशन हीट और आई स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, जिससे क्लियर पता चल गया कि जो हीट जनरेट होता है वो आई स्क्वायर के प्रपोर्शन में होता है, पहली चीज। दूसरा इन्होंने क्या किया था, सेम वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, करंट को कांस्टेंट करके एक बार आर के साथ और एक बार टी के साथ। तो जब हम हीट को डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के साथ तो स्ट्रेट लाइन आता है, हीट को डिस्कस करते हैं टाइम के साथ फिर भी स्ट्रेट लाइन आता है। और ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे हम लोग टाइम को बढ़ाते हैं या फिर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हीट का रिलेशन उसके साथ डायरेक्ट आता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाती है। अब यहाँ पे जो हमारा हीट का एक्सप्रेशन आई स्क्वायर आर टी है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं अगर हम इसमें अप्लाई कर दें ओम्स लॉ। जैसे अगर हम आई को चेंज कर दें ओम्स के अकॉर्डिंग और आर को चेंज कर दें ओम्स के अकॉर्डिंग तो हमको दो अलग अलग यहाँ पे एक्सप्रेशन फिर मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग ओम्स के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू वी बाई आर अगर हम यूज कर दें तो ये वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी होगा, जिसको सॉल्व करने पे हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर।
इसका मतलब ये दूसरा एक रिलेशन हो गया जिसमें अगर हम आर और टी को कांस्टेंट रखें तो जो हीटिंग होगी वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगी, या वोल्टेज और टाइम को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो वो आर के इनवर्सली रिलेशन में होगी। सेम ऐसे सेकेंड ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, अगर आर की जगह हम वी बाई आई यूज कर लें तो एक ऊपर का आई नीचे के आई से कैंसिल होगा और हमको रिलेशन मिल जाएगा एच इक्वल टू वी आई टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है, इसी पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। और हम लोग जानते हैं वी इंटू आई वोल्टेज एंड करंट पासिंग थ्रू एनी सर्किट, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, एच इक्वल टू पी इंटू टी भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक्सप्रेशन मिल गए कुल चार। इन्हीं चार एक्सप्रेशन में से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और आप लोग जानते रहिए कि यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें जो भी हीट जनरेट होगी वो सारा हीट हमेशा जूल में होता है, इसलिए आंसर आपको जूल में लिखना होता है। अगर कभी आपको आंसर कैलोरी में पूछ लिया जाए तो आप लोग जानते रहिए कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको जूल में मिलेगा उसको 4.18 से आप डिवाइड कर दोगे, आपको आंसर कैलोरी में मिल जाएगा। तो ये पूरा क्लास 10th पे बेस्ड जूल लॉ ऑफ हीटिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।